देवी और सज्जनों, कैसे हो आप सब। आज मैं आ चुका हूँ श्री मंगेश टेंपल, बहुत फेमस गोवा का टेंपल। और सुबह सुबह हमको जल्दी निकलना पड़ा, वीडियो की शुरुआत नहीं कर पाया, तो अभी कर रहा हूँ मैं शुरुआत। तो स्वागत है, नमस्ते। यहाँ चप्पल उतार कर रखना पड़ेगा। हिमेश पकड़ तो जरा। उतार लेते आ रहे, तो एक बात याद रख लेना, ये ड्रेस कोड होना चाहिए आपका, तभी आने मिलेगा। चलो आओ। बहुत पुराना मंदिर है यहाँ का, ये बहुत प्रसिद्ध और फेमस। ओके, लाइन लगाना पड़ेगा। तो भैया ये बहुत पुराना है मंदिर, एक्चुअल में ये है 1561 मतलब AD, उस समय का बहुत पुराना है ये मंदिर। पूरा डिटेल दिया, ये एक बार शिफ्ट भी हो चुका था यहाँ पर, पूरा दिखाया गया, बताया गया, क्योंकि एक बार इस पर हमला भी हो चुका था क्रिश्चियन मिशनरी जो आए थे उस समय यहाँ पर, पोर्तुगीज, तब की ये बात है। तो उस समय ये शिफ्ट भी हुआ था, एक बार शिफ्ट हो गया था। आरती चालू हो गई है महादेव की, चलो आओ देखते। देख रहे इतना बड़ा तो त्रिशूल लगा यहाँ पर। तो हम लोग एक और मंदिर आ गए, महालक्ष्मी मंदिर है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है गोवा में, बहुत फेमस है। दिखाता हूँ आपको, है वो मंदिर। गोवा में लेकिन यार मंदिर बड़े एक से एक, यहाँ के डिजाइन जो चीजें हैं बहुत जबरदस्त है। हमको लग रहा है यही एंट्री गेट है क्या। मंदिर है ये बहुत पुराना, ये भी अभी का नहीं है। ये देखो ये है स्तंभ, इसमें गरुड़ देव है, हनुमान जी भी है, सभी देव चारों साइड से हर एक देवी देवता है। ये क्या है, बात
कि ये राम मंदिर, अंदर तो फोटो वीडियो नहीं निकालने देंगे, बाहर से ही चलना पड़ेगा जो करेंगे। एकदम पास से वाह अद्भुत। ये मंदिर बना 12वीं शताब्दी में, बहुत पुराना, ये भी बहुत पूरा प्राचीन मंदिर है ये वाला। लेकिन ये मराठी में आधे ज़्यादा तो मेरे को मराठी बनता नहीं, जितना हो गया उतना तो मैंने पढ़ लिया। ये हवन घर है, इधर पे भी लग रहा है कुछ बना रहे यहाँ पर ये शायद से। ये देखो ये अभी अभी बना या तो पहले से रहा होगा, इसको सही किया, देखो कितना मस्त। दस बहाने करके ले गई दस, मेरा भाई मेरे दस बार लौटा देना। पकड़ पकड़ चुका हूँ जापानीज गार्डन जो बसा है गोवा के एकदम एंड पे, एंड एकदम एक एंड छोड़ पे बसा हुआ है। लोगों को जो है एकदम सीक्रेट जगह दिखाने वाला। तो यहाँ पर है भाई गोवा का एंड और समुद्र है भाई साहब। अभी हम लोग वहाँ नीचे भी जाएंगे, वहाँ जो आप देख रहे रास्ता है वो पूरा जाने का, वो जा रहे दो लोग उधर जाएंगे। पूरा व्यू देखो, जबरदस्त जगह ये जापानीज गार्डन, ये देखो इधर से नीचे जाने का, इधर से उधर तक पूरा जाने का रास्ता है नीचे, और जबरदस्त व्यू आता है। और अभी जाएंगे हम लोग नीचे, आपको दिखाते हैं। भाई साहब ये जगह जो है बहुत पुरानी है मेरे लिए, क्यों पता है, हम जब फर्स्ट टाइम गोवा आए थे तब यही आए थे, यही जगह पे, यही जगह थी वो जब हम फर्स्ट टाइम गोवा आए थे। और बहुत कुछ यहाँ बदल गया है, डेवलप हो गया है, जब हम पहली बार गोवा आए थे इधर ही आए थे। अभी वहाँ पर मैंने देखा एक वाओ मोमोज भी खुल गया है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई हैं, बट हाँ अभी भी वैसे का वैसे ही है। इधर ही आए थे हम लोग, इसके यहाँ चाय पीते थे हम लोग, बहुत फेमस था ये चाय वाला इधर, यहाँ पर इसकी चाय बहुत बढ़िया होती है। बहुत घूमे थे यहाँ पर हम लोग, हमारा फर्स्ट गोवा ट्रिप यहीं था। स्वागत है पुराने अड्डे पे, ये भी एक बीच ही है, क्लोवा क्लोवो ऐसे कुछ बोलते हैं, क्लोवो, बहुत मस्त बीच है। तो अंधेरा हो गया है, बंद हो गया है सब, मतलब बंद नहीं हो गया, दिन में क्या अच्छे से दिखता है, लेकिन अभी लाइट नहीं है ना। इसकी खास बात यह है यहाँ तक इसका समुंदर का पानी आता है, अलग से ये बना के रखा है उस पार जाने के लिए, ये उधर से उसका कटआउट है ना तो पानी आ जाता है वहाँ से, इसका कटआउट है। अभी तो अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, तो जो भी दिखे भाई इसी अंधेरे में देख लो, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा सन्नाटेदार अंधेरा है। ठीक है, अभी मैं लूँगा जब अच्छा फ़ोन तो आपको दिखाऊँगा। अभी कैसा है ये पानी, अभी इधर ना बढ़ गया, ये
अब ये यहाँ तक आ गया पानी, पहले नहीं था। ये अभी अभी यहाँ तक आया है पानी, पहले ऐसा नहीं था, अब आया। थोड़ा सा बदलाव प्रकृति में, जो भी अंधेरे में आपको दिख जाए, ये देखो यहाँ तक दिख रहा होगा आपको पानी। मैं बताया ना, ये वहाँ से कटा हुआ है, ये बीच उधर आगे से ना ऐसे वहाँ से कटा हुआ है, तो क्या होता है कि सारा पानी आता है इस तरफ। इसके वजह से क्या है ना, इन्होंने ये ब्रिज बना के रखा है,